गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आपको स्पीड बनाने वाला हूँ। अगर आपको मैसेज नहीं आ रहे, आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको मैसेज करता है, टेक्स्ट मैसेज आपको करता है, तो आपको मैसेज नहीं रिसीव हो रहा, वो आपको कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली, वीडियो को जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते हैं क्योंकि इस वीडियो का लाइक का एम है 50 लाइक। 50 लाइक आपको करवाने हैं, मुझे पता 100% आप करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ये सब्सक्राइब और घंटी के बटन दबा दें क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन होगा, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको चले जाना है मैसेज बॉक्स में। तो यहाँ पर आपको मैसेज बॉक्स जो ऐप है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है राइट के ऊपर। उसके बाद आपको ये लेना है सेटिंग में। सेटिंग में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चले जाना है मोर सेटिंग में। तो सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा SMS सेंटर नंबर। तो यहाँ पर आपको देख लेना है आपका जो सिम है वो कौन सी कंपनी का है, ठीक है। वो देखने के बाद आपको गूगल पर सर्च कर लेना है उस कंपनी का नाम लिख के SMS सेंटर नंबर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर का जो सेंटर नंबर है वो चेंज करना, मतलब फर्स्ट नंबर पर आपको मैसेज नहीं आ रहा है वो देख लेना है आपको। तो यहाँ पर मेरा फर्स्ट नंबर जियो का है तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जियो का सेंटर नंबर है वो यहाँ पर सही होना चाहिए। अगर आपके पास जो सेंटर नंबर है वो सही नहीं है तो आपको SMS नहीं रिसीव होगा। तो यहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर आप ये सही से इसका SMS सेंटर नंबर लिख लेते हो। उसके बाद आपको करना है ओके। ओके करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे आपको कोई भी जो मैसेज करता है आपको वो मैसेज रिसीव होगा। तो ऐसे आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी। तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।